ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। खबर मुरैना जिले से है। तहसील कैलारस में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में कैलारस में पदस्थ तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम किया जा रहा है। नरेश शर्मा पर नगर परिषद कैलारस के प्रशासक का भी प्रभार है। प्रशासक के रूप में और कैलारस तहसीलदार के रूप में 22 मार्च के बाद नरेश शर्मा द्वारा नियमित रूप से सब्जी मंडी विक्रेताओं, किराना व्यापारियों, पत्रकारों, समाजसेवी संस्थाओं, गल्ला व्यापारियों सभी से व्यक्तिगत रूप से मंत्रणा कर इस बीमारी से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। अब तक कैलारस शहर में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए कैलारस तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन के मानवीय चेहरे के रूप में गरीब मजदूर वर्ग की हर संभव मदद की जा रही है। तहसीलदार कैलारस नरेश शर्मा द्वारा अपने अप्रैल माह के वेतन के 35,000 रुपये कैलारस तहसील के गरीब मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों को खाद्यान्न और सब्जी के लिए दिए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा जन सहयोग में थाने के सामने आलोपी शंकर रसोई का प्रारंभ किया गया, जिसमें 2,000 से अधिक लोग अभी तक भोजन प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी ये कार्य चलता रहे ये प्रयास जारी है। लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों पर किराने का सामान उपलब्ध हो जाए, इसके लिए तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा नगर परिषद कैलारस के सहयोग से 5 मोबाइल किराना वैन प्रारंभ की गई हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी मोबाइल किराना वैन प्रारंभ की गई। कैलारस में सब्जी मंडी में होने वाली भारी भीड़ को समाप्त करने के लिए उसे कृषि उपज मंडी में शिफ्ट किया गया था, लेकिन आमजन के द्वारा सोशल डिस्टेंस के आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसे में प्रशासक एवं तहसीलदार कैलारस नरेश शर्मा एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष सोहन लाल ठाकर, जनपद पंचायत CEO गिरिराज शर्मा, नगर परिषद CMO आदि के साथ नरेश शर्मा द्वारा सब्जी किराना की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर ग्रामों के लिए रवाना किया और सभी मोबाइल वैनों के मोबाइल नंबर भी वैनों पर चस्पा करवाए गए। तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा जिले में सबसे पहले फायर ब्रिगेड से तहसील नगर परिषद कैलारस की सड़कों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही ग्राम के सरपंचों को अपनी अपनी पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया, जिसका अनुसरण अन्य नगर परिषद में किया जा रहा है। तहसीलदार नरेश शर्मा एवं उनकी राजस्व टीम के द्वारा तहसील की सीमाओं को बैरिकेटिंग लगाकर सील्ड किया गया। साथ ही नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी भ्रमण किया गया। तहसीलदार कैलारस नरेश शर्मा द्वारा कैलारस BMO डॉक्टर SR मिश्रा एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स की टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा बाहर से आने वाले लोगों की जांच की गई। तहसीलदार कैलारस द्वारा नगर परिषद के प्रशासक के रूप में शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा लॉकडाउन का पालन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तहसीलदार कैलारस द्वारा अयोध्या बस्ती के वार्ड क्रमांक 127 के गरीब लोग को, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को उनके घर पर जाकर राशन, आटा, चावल, दाल प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे शहर में कोई भूखा ना रहे। तहसीलदार कैलारस के द्वारा एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई, जिससे गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर पर भोजन सामग्री प्राप्त हो सके। ऐसे संकट की घड़ी में तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा इतने कम समय में जितने कार्य किए गए हैं, उनसे जनता में इस बीमारी से लड़ने का साहस पैदा हुआ है तथा जनता द्वारा उनके कार्यों की सराहना की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 भी ऐसे अधिकारियों की सराहना करता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए कैलारस से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।